बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको दम कीमा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इनको कबाब कीमा भी कहते हैं, इसलिए इसमें जो स्पाइस यूज़ होंगे वो कबाब के हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, इनको बना लेते हैं। कश्मीरी मिर्च 5 से 6, इसको पेपरिका पेपर भी कहते हैं। हॉट चिली पेपर 4, रोस्टेड भुने हुए वाइट चने 2 टेबलस्पून, सूखा धनिया साबत 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा साबत 1/2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, सबस इलायची 4, सिमरन स्टिक बड़े साइज़ की 1, लौंग 5 से 6। इनको लो हीट पे पका लेते हैं। 1 मिनट इनको पका लिया। खशखश 1/2 टेबलस्पून, इसको पपी सीड भी कहते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप काजू भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने से मसाले में खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें डाल लेते हैं कच्चा पपीता, वन टेबल स्पून कच्चा पपीता, कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेते हैं। बड़े साइज़ का 1 ऑनियन। ऑनियन को इतनी देर पकाएंगे ऑनियन गोल्डन कलर का हो जाए। फ्राई ऑनियन को टिश्यू पे निकाल लेते हैं। ऑनियन को ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। यही वाला ऑयल कीमे को पकाने में यूज़ कर लेंगे। 1 kg बीफ का कीमा, कीमे को वॉश करके छानने में रख लिया 10 से 15 मिनट्स के लिए, इनमें से ब्लड और वाटर निकल जाए। ये बीफ के कीमे में ही बनता है। अगर आपने नहीं बनाना तो आप मटन के कीमे में बना लें। ये जो पाउडर रेडी की है 4 टेबलस्पून डाल लेते हैं। हरा धनिया डाल लेते हैं, पुदीना डाल लेते हैं। पुदीने का इस्तेमाल कम करना है। ग्रीन चिली डाल लेते हैं। लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, कच्चा पपीता जो पीसा इसमें डाल लेते हैं। कच्चा पपीता इसके बीच में डालना ज़रूरी है। लेमन जूस, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1/2 टेबलस्पून साल्ट। साल्ट कम हुआ बाद में फिर डाल लेंगे। योगर्ट 6 टेबलस्पून। इसमें ये फ्राई ऑनियन डाल लेते हैं। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इनको मिक्स करें। इनको बहुत अच्छा मिक्स करना है, सब चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। इनको मिक्स करके 1 से 2 आवर फ्रिज में रखेंगे। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 1/2 आवर रख लें। इसमें टर्मरिक पाउडर का इस्तेमाल नहीं होगा। 1 आवर इनको रख लिया, इनको पका लेते हैं। ये वाला ऑयल डाल लेते हैं। ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, कीमे में से ऑयल निकल आएगा। ऑयल को गर्म कर लेते हैं। ये कीमा इसमें डाल लेते हैं।
तेज़ हीट पे इनको पका लेते हैं 5 मिनट, इनमें स्टीम बन जाए। कीमे में से वाटर निकल आया, हीट लो करके कवर करके पका लेते हैं। हर 5 से 7 मिनट के बाद इनको चेक भी करना है। इनको कवर करके इतनी देर तक पकाएंगे ये फुल कुक हो जाए कीमा। 40 मिनट कीमे को पका लिया, हीट हाई करके 5 मिनट पका लेते हैं, कीमे में से वाटर ख़त्म हो जाए। कीमे को 5 मिनट हाई हीट पे पका लिया, कीमे में से वाटर ख़त्म हो गया। इसके लिए कीमा बहुत ज़्यादा बारीक यूज़ करना है, कीमे में बिल्कुल भी वाटर नहीं डाला, ये अपने ही वाटर में कुक हो गया है कीमा। अगर आपका कीमा कुक नहीं हुआ, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक वाटर डाल लें। इसमें डालें हरा धनिया, ग्रीन चिली, कटा हुआ बारीक जिंजर। इसका फाइनल स्टेप करना है, इसको कोयले का दम देना है। दूसरी साइड पे कोयले को गर्म कर लेते हैं, कोयले को फायर पे जला लेते हैं। इस पे कुकिंग ऑयल डालें, इनको कवर कर लेते हैं। इनको कवर करके कोयले का 1 मिनट का दम दे लेते हैं। ज़्यादा देर इनको नहीं रखेंगे, कोयले की स्मेल इनके बीच में आ जाएगी। हीट बंद कर लेते हैं, ये रेडी हो गया। इसको निकाल लेते हैं। यह कीमा 47 मिनट में रेडी हो गया। इस पे हरा धनिया, हरी मिर्चें, बारीक अदरक डाल लेते हैं। लेमन निचोड़ लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसको बकरा ईद पे बना लें, एनी टाइम बना सकते हैं। दम कीमा बनके रेडी हो गया। आप अपने स्पाइस और कीमा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर लें। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।